साड़ी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का शुभ कर्म देवाले और शिवाले के अंदर मत्था टेक के शुरू किया जाता है। अज लुधियाना दियाँ चार विधानसभा के अंदर पार्टी के वर्कर की विधानसभा अनुसार बैठक है। उस तो पहला मैं भगवान शिव जी के दर्शन करन आया और आशीर्वाद लेन आया कि परमात्मा शक्ति देन, समर्थ देन और पंजाब के अंदर अमन शांति भाईचारा होर मजबूत होए। किसान आंदोलन के बाद क्या आप समझते हैं कि आज से बीजेपी जो है गांव में भी जाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि पहले जितना से ऐसा कि आशीर्वाद लेके आज भगवान का, यहाँ तक भगवान का ही आशीर्वाद से ही सारी सृष्टि चलती है। जहाँ तक पार्टी के चलने का सवाल है, पार्टी के सक्रियता का सवाल है, पार्टी ने अपने कार्य के अंदाज को बदला था। सक्रियता या गति पार्टी की रुकी हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक है कि अगर अमन का, शांति का, भाईचारे का वातावरण हो तो आप अपने विषय को बड़ी संख्या में भी रख पाते हैं। तो उसी के तहत मेरा पिछले 3 दिन से विधानसभा अनुसार कार्यकर्ताओं से मिलना हो रहा है और उसका मुख्य बिंदु है कि कार्यकर्ता का संगठनात्मक ढांचा उस विधानसभा का कैसा है, बूथ की रचना कहाँ कैसी है, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए उसकी रचना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कार्यकर्ता बूथ पे लड़ाई लड़ता और वही चुनाव को जिताता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए। तो क्या अब गांव में भी जाना स्टार्ट करेगी बीजेपी? पार्टी पहले भी जा रही थी, मैंने कहा कि मैंने क्या कहा पार्टी पहले भी जा रही थी। एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव जीतने के लिए जो भी हमको करना है उसकी व्यापक रणनीति पिछले 1.5 साल से बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी कब आएंगे अब पंजाब को? बड़ी भीड़ है कि उचित समय पर सब लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, सब लोग आएंगे। बड़ी रैली कब तक होगी? ऐसा है कि उसके लिए समय रहता है और पार्टी समय समय पर उसको डिसाइड करती है कि कौन कौन नेता कहाँ कहाँ आएगा और किस रूप में आएगा। तो वो जब चुनाव का, अभी तो चोन जाप्ता शुरू नहीं हुआ, किस नेता को कब आना है वो जरा पार्टी पे छोड़िए। बीजेपी के पास इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। पहले हम लोग कहने को गठबंधन था, लेकिन वो भी गठबंधन हमने पार्टी के लिए नहीं, पंजाब की उस समय के हालात को देखते हुए, अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और पंजाब समृद्धि की ओर आगे बढ़े, सामाजिक ढांचा जो है वो मजबूत हो, इसलिए घाटे का सौदा किया हुआ था। जो गठबंधन होता है वो बराबरी में रहता है। ये तो हो सकता है कि 40% और 60% की भागीदारी हो, ये नहीं हो सकता कि 83% और 17% की भागीदारी हो। तो आज पार्टी को एक अवसर मिला 117 सीटें लड़ने का, और 117 सीटें जब लड़ेंगे आप तो नए चेहरों का आना स्वाभाविक है। तो क्या आने वाले टाइम में कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं अकाली दल के साथ कुछ हो सकता है गठबंधन आफ्टर, चाहे इलेक्शन हो या पहले, क्या लगता है कि मेरा लक्ष्य 117 सीटें लड़ना और लड़वाना है। अकाली दल मेरा ध्यान जिस प्रकार अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पे था, मेरा ध्यान 117 सीटों पे मेरी पार्टी मजबूत हो और मेरा प्रत्याशी जीत के आए, उसके लिए जो भी करना है मैं उसी को ध्यान में रखकर किसी से समझौता होने की है। बीजेपी 117 सीटों पे चुनाव अकेले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ वोट शेयरिंग क्यों बोल रहे हैं, इलेक्शन लड़ूंगा, क्या पंजाब में इस तरह का वातावरण? ऐसा है कि मेरे पास जो दायित्व है वो 117 सीटों पे पार्टी को सक्रिय करना, चुनाव के लिए तैयार करना और चुनाव लड़ाना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरह से बातचीत चल रही है, फायदा होगा बीजेपी?
मैंने क्या कहा, मेरे 117 सीटों पे मुझे फायदा हो, मुझे इसकी चिंता है। तो अकेली बीजेपी लड़ेगी? बीजेपी 117 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी को रोज खड़े घरे में खड़े कर, ऐसा मैंने अनेक बार कहा, सिद्धू कांग्रेस की समस्या है, बीजेपी की नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का अंतर विरोध है, जिस प्रकार की कला है चेहरा बदलने से, कांग्रेस की नैया पार होने वाली नहीं है। कांग्रेस ने मजबूरी के अंदर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध इस प्रकार का है कि मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, अध्यक्ष कुछ बोलता है और ये सारा पंजाब इसको देख रहा है। कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल के अंदर जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा, उन्होंने नौजवान को ठगा, उन्होंने दलितों पे अत्याचार किया, दलित बच्चों का वजीफा तक में घपला हो गया और कोरोना की महामारी के अंदर लीकर माफिया जिस प्रकार से दंदन आया, रेत माफिया और माइनिंग पॉलिसी का वादा करके ये सरकार आई थी, घर घर नौकरी देने का वादा करके ये सरकार आई थी, नौकरी नहीं तो 2500 रुपया देंगे ये बात करके सरकार आई थी। सरकार को लगता है कि पंजाब की जनता की ज़्यादा कमज़ोर है। जनता ने उस समय भी लोक लुभाने नारे सुने थे जिसको मूर्त रूप देने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही और आज फिर कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में स्पर्धा चल रही है। अकाली दल भी उसका हिस्सा बना है। केजरीवाल आता है कि 1000 रुपया देंगे महिलाओं को, उनको ये पूछिए कि कितनी महिलाएं हैं, 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं वो 74 लाख हैं। अगर 1000 रुपया एक को मिलता है तो सार्क क्या पंजाब का बजट है इतना, क्या पंजाब का रेवेन्यू इससे आता है? मैं जनता से और पत्रकार मित्रों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मजाक बना के रखा है मैनिफेस्टो का, मैनिफेस्टो जो घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं, आप उनसे ये प्रश्न जरूर खड़ा करिए कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं इनकी पूर्ति कैसे करेंगे। बीजेपी अगर पंजाब के अंदर कोई बात कहेगी, हमारा रिकॉर्ड है, देश के प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने से पहले जो जो देश से वादे किए उनको उन्होंने पूरा किया और हमारे लिए घोषणा पत्र संकल्प पत्र है, हमारी प्रचन उसके प्रति वचनबद्धता है कि हम जो बोलेंगे उसको करेंगे, ये हमारा केंद्रीय सरकार का रिकॉर्ड है। इसलिए पंजाब की जनता बीजेपी पे विश्वास करेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कांग्रेस कहती है कि नशा मुक्त पंजाब देंगे, जहाँ अकाली दल बोलता है या आम आदमी पार्टी बोलती है, तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर बीजेपी कहती है कि हम नशा मुक्त पंजाब देंगे, पंजाब का हर नौजवान, हर निवासी, हर वोटर विश्वास करेगा। अगर हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, तो कांग्रेस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी की सरकार घोटालों की सरकार रही है। कांग्रेस ने केवल चेहरा बदला है, MLA वही हैं, मंत्री वही हैं, कैबिनेट वही हैं। आज जो बोल रहे हैं, उस समय कुंभकर्णी नींद क्यों सोए हुए थे? उस समय उनको क्यों नहीं लग रहा था कि पंजाब लूट रहा है, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, पंजाब के अंदर दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है? कभी किसी ने ऐसी घटनाएं सुनी कि दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाए और सरकार के कान पर जू ना रेंगे, दलित बच्चे के मुंह में पेशाब डाल दिया जाए और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रहे? ये सारी चीज़ें जनता ने भोगी हैं और MLA से लेकर सब मंत्री उसके लिए दोषी हैं। एक व्यक्ति दोषी नहीं होता, पूरी कैबिनेट दोषी है और पंजाब की जनता पर मुझे विश्वास है कि वो इनका हिसाब करेगी और पंजाब का नया सवेरा, नया पंजाब बनाने के लिए, ऐसा पंजाब जिसमें व्यापारी को लगे कि मेरी सरकार है, इंडस्ट्री को लगे मेरी सरकार है, खेत के अंदर काम करने वाले मजदूर को लगे मेरी सरकार है और किसान को लगे मेरी सरकार है और नौजवान को लगे ये मेरी सरकार है और महिलाओं को लगे कि हम सुरक्षित हैं। आज पंजाब के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चरमराई है, दिन दहाड़े दुकानों को लूटा जाता है और दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, कोई बोलता नहीं है क्या? इसका हिसाब कौन देगा? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो छवि है वो पंजाब में जिताने में काम आएगी? काफी डेफिनेट आएगी, पंजाब के अंदर ही क्या पूरे वालों का विकल्प आएगा। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार विशाल हृदय करते हुए
मैं उनके सारे विषय को नहीं कहूँगा, जब उन्होंने दिन क्या चुना, गुरु नानक देव जी का प्रकट उत्सव, उससे पहले करतारपुर लांगा खोला, देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए। पहला प्रश्न खड़ा होता है कि अगर विभाजन के समय कांग्रेस का नेतृत्व पंजाब के प्रति, सिख पंथ के प्रति, सिख धर्म के प्रति उसकी आस्था होती, तो श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा होता। उसके बाद भी अनेक सरकारें आईं, लेकिन क्यों ध्यान नहीं गया कि ये करतारपुर कॉरिडोर हमारे नानक नामलेवा संगत के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हम लोग अरदासें करते थे कि हमें बिछड़े हुए गुरुधामों के दर्शन के दीदार का अवसर प्राप्त हो, वो अवसर नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। और इस बार का तो प्रकट उत्सव इससे भी महत्वपूर्ण है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, सब विषय नहीं लूँगा, कि मेरे कानून दीवे की लो की तरह पवित्र हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं इनको वापस ले रहा हूँ। और वापस लेने देते समय एक शब्द अगर आपके ध्यान में आया हुआ, किसान के हित के लिए लाया था, देश के हित में इसको वापस ले रहा हूँ। वो पंजाब के भाईचारे को जो जिस प्रकार से कुछ लोग पंजाब के अंदर हिंदू सिख करना चाहते थे, हिंदू सिख के बीच में दरार डालना चाहते थे, उसके बाद उसके लिए ये निर्णय उन्होंने किया कि पंजाब की एकता, पंजाब का भाईचारा, पंजाब के अंदर हिंदू सिख भाई हैं और पंजाब का एका मजबूत हो, उन्होंने उसको उनको वापस ले लिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अकाल तख्त के जथेदार जी को, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही थी कि किसान के लिए लाया था, देश के हित में वापस ले रहा हूँ, उसकी पुष्टि की उनके बयान ने। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती लोग पंजाब के अमन को ख़त्म करना चाहते थे, हिंदू सिख में दरार डालना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय ने हिंदू सिख की एकता को मजबूती बख्शी है। ये अपने आप में सबको सुनने वाला बयान है। कुछ हैं लोग जैसे कोई नेता, किसान नेता, वो अभी भी ऐसा है कि लास्ट आम जो जनता है उन्होंने प्रधानमंत्री के उदार हृदय को देखा है, और जिस विषय को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था, देश के हित में उसको वापस ले लिया है, ये पूरे दुनिया जानती है, पंजाब जानता है, और देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़ी है। देश दुनिया दी हर खबर नाल अपडेट रहन ले साडे जगबानी टीवी दे इंस्टाग्राम अकाउंट नु फॉलो करो और दोस्तां ते मित्रां नाल ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।